इज नॉट फॉर अडल्ट्स, नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन. कुछ है नहीं, मतलब बड़े एंटरटेन इंजॉय करेंगे नहीं, बच्चों के लिए कुछ है नहीं, खाली जंगल में हाथी आती है. फर्स्ट हाफ इज वेरी स्लो, पर एक्शन मूवी है, लेकिन दम नहीं है लगी, जितनी सोच के आदमी आता है. इट्स नॉट मतलब एंजॉय ना, बस कुछ है ही नहीं एक्चुअली, से कुछ खास नहीं है. मतलब बड़े भी देखेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा, इंटरव्यू तक तो बैठे बैठे बोर ही हो रहा आदमी. देन इट सोचते कि आदमी बच्चों के लिए कुछ होगा, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है. ये तो ठीक है, इज ओके, बस उसने बनाने की कोशिश की है, बट नॉट एंटरटेनिंग ऑल्सो. क्लीन मूवी है, अच्छी है मतलब, बट नॉट एंटरटेनिंग नहीं, कुछ है नहीं एक्चुअली. बस चले, आई डोंट थिंक एक्शन तो ठीक है, विद्युत है तो फिर थोड़ा बहुत हो गई ठीक है, लेकिन बस बहुत खास नहीं. जो सोच के आते कि जंगल में होगा, टार्जन जैसे पीछे बच्चे सोचते हैं, बच्चों को दिखाएंगे हम, लेकिन वो भी नहीं है. बच्चे जो है ही नहीं, बच्चे को अंदर तो बच्चे इंजॉय भी नहीं करेंगे एक्चुअली, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे. बता दो इंटरव्यू तक कुछ नहीं खा सकता तो इतना बोर हो जाएगा एक्चुअली. म्यूजिक भी ठीक है, म्यूजिक पे ध्यान नहीं जाता है, जो जो फाड़ा धार धार होती है. मैं दो ही दूँगा, थैंक यू. मूवी अच्छा लगा मैम, वो अच्छा लगा ऐसे क्योंकि हाथी के ऊपर दिखाया जो एक उसके अच्छा लगा, जंगल के ऊपर दिखाया वो विद्युत जमाल वाल का, वो अच्छा लगा. एक्चुअली में अच्छा लगा उसका फाइटिंग और उसके कोरियोग्राफर पर, वो भी अच्छा लगा मैम. जैसे हमेशा तो वो एक विद्युत जमाल वाल एक अच्छा एक अलग चीज़ किया जो हाथी के ऊपर किया, जो सबसे बड़ा प्राणी है पृथ्वी का, वो लास्ट हो रहा है बेटा, उनका जो जात है वो ख़त्म होने वाला है, तो उनको कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग वो अच्छा लगा मेरे को. 5 to 5 मैम, यस मैम, थैंक यू. मूवी इज़ गुड, आई थिंक सो एवरीबडी शुड वॉच. इट्स लाइक फ्रेंडली, यू कैन से इट्स अ नेचर फ्रेंडली मूवी बेस्ड ऑन एन एलिफेंट एंड इट्स वेरी नाइसली मेड, यू शुड और एवरीबडी शुड सी दैट. बच्चे लोग के लिए अच्छा है, मतलब एटलीस्ट यू फील लाइक यू आर इन जंगल. So that is a good adventure. So picturization is really nice. I should give 3.5, 4 and yeah, 3.5, 4. Thank you. It's very good movie, one time watch movie. This was बहुत अच्छी movie है, family pack movie है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी movie. हाथी के साथ दोस्ती दिखाया गया है, इंसानियत दिखाया गया है, जो crime होते हैं हाथी के दांत को लेकर वो रोकने के लिए एक इंस्पायरिंग मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छे पसंद आएगी. एक्शन के ये एक नए लेवल पे एक्शन को लेके गए हैं इसमें, जितने भी एक्शन मूवी उनके आए हैं, दिस इज द बेस्ट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट. डायरेक्शन हॉलीवुड डायरेक्टर है, या बहुत अच्छा डायरेक्ट किया फिल्म है, जो हॉलीवुड फिल्म टॉम यम गोंग, तो उसी तरह का थोड़ा बनाया गया है, कॉपी नहीं है, पूरा अलग स्टोरी है. मतलब उसी तरह के, मतलब वही लेवल पे लेके गए, हॉलीवुड जैसे लग रहा है मूवी. हाँ, पूरा फैमिली एंजॉय कर, फैमिली पैक मूवी है, कोई भी ऐसे ये नहीं कि जो फैमिली बैठ के नहीं देखती. सबसे ज़्यादा बच्चे एंजॉय करेंगे, जो हाथी के साथ दोस्ती है, हाथी का कारनामा है और एक्शंस, वो बहुत एंजॉय करें बच्चे. 5 out of 5, थैंक यू. मूवी की स्टोरी के बारे में, एक्चुअली ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है जो इंस्पायरिंग रहती है. जैसे इंस्पायरिंग की मतलब जैसे मूवी है केसरी में भी जो इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाई है, जो उनकी सोल्जर्स के सोल्जर्स का जो सैक्रिफाइस था, उन सब स्टोरीज, मतलब ऐसी स्टोरीज और आएगी तो और डेफिनेटली चेंजेस हो गए मतलब वर्ल्ड में, या फिर जो भी पब्लिक है उसके अंदर, मतलब पीपल्स के अंदर चेंजेस डेफिनेटली दिखेंगे कि मूवीज ऐसी इंस्पायरिंग बनानी चाहिए. और अच्छी नहीं, बेस्ट लगी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट उनकी मूवीज़ है फिलहाल तो. 3 मूवीज़ मैंने जो देखी है, कमांडो, कमांडो 2 एंड ये जंगली. एक्चुअली कमांडो के बाद से ही वो मेरे मतलब बहुत फेवरेट एक्टर हैं. एंड अभी ये मूवी के लिए भी मैंने 2-3 दोस्तों को पूछा कि आना है नहीं आना है, मैं उन्होंने बोला कि हम लोग टाइम नहीं है, ये वो कोई रीज़न हो गया उनके, बट आई वॉज लाइक नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखना ही है. तो बच्चों के लिए ज़्यादा मतलब अच्छी पिक्चर है डेफिनेटली, मतलब उनको भी अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत थोड़े वो आते हैं कि सब एनिमल्स को स्लॉटर किया जा रहा है,
हैरेस किया जा रहा है वो सब, तो ये मूवी देखने के बाद लोगों को डेफिनेटली लगेगा कि जो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर रही है लोग। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब देखने आया तब मेरे को लगा किसी इंडियन डायरेक्टर ने किया, आई वॉज लाइक है, मतलब इंडियन डायरेक्टर्स भी बहुत है ऐसे जो ऐसी मूवीज डायरेक्ट करते हैं और अच्छी की है, बट इनका काम भी बहुत अच्छा है। 5 out of 5 definitely.